नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है YouTube चैनल पर। आप देख रहे टेक्निकल YouTube चैनल। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप एक एट्रैक्टिव थंबनेल बनाना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपको एक एट्रैक्टिव थंबनेल बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब बना लेते हैं इसका थंबनेल। तो थंबनेल कैसे बनाएं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। तो वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन नाम है स्नैपसीड। तो मैं स्नैपसीड को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ओपन करने के बाद ये प्लस का ऐसे एक निशान आएगा, आपको वहाँ पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद गैलरी खुल जाएगा, गैलरी को ओपन कर लेना है। गैलरी ओपन करने के बाद आपको कुछ जो भी फ़ोटो को चूज़ करना है वो चूज़ कर लेना। तो मैं कैमरा में जाकर मैं अपना फ़ोटो एक चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं ये वाला फ़ोटो चूज़ करूँगा। तो मैंने चूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें मतलब इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉप में जाएंगे, पॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और ये ऐप्स वो आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी। तो अब क्या करना, हमें सही निशान आ जाएगा, सही निशान टिक मार देना। अब क्या करना हमें, देखिए दोस्तों ये मॉर्निंग जैसा आ रहा है, तो मैं मॉर्निंग ज़्यादा देता हूँ। ये इफेक्ट बहुत अच्छा है बैकग्राउंड के लिए। तो मैं ये मॉर्निंग भी ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ फोटो में। ये देखिए दोस्तों, और मैं सही निशान कर देना। अब हमें क्या करना है, ये टूल पर जाना है। टूल पर जाके हमें क्या करना है, ये टून इमेज पे ओपन कर देना है। और इसका जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो गया फोटो, DSLR फोटो बना देंगे हम इसको। तो ये देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको टिक मार देना है। फिर हमें क्या करना है, टून पे जाके हमें यहाँ पे ये ब्राइटनेस आ गया, ब्राइटनेस पे क्लिक करना है यहाँ पे। ये देखिए, ये आप यहाँ से ये जो चार डंडे आ रहे हैं यहाँ पे, ये चार डंडे पे क्लिक करके आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारे फीचर दे रखा है, आप कोई से भी कर सकते हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को मैं स्वीप करके बढ़ा देता हूँ। तो स्वीप करने के बाद बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें सबसे पहले इसका साइज लेना है। तो हमें फिर जाना है टूल पे जाके, ये क्रोप्ट है लिखा है, इस क्रोप्ट पे हमें टैप कर देना है। क्रोप्ट होता है, हमें अगर पीछे का नहीं चाहिए तो मैं पीछे का ये ले लेता हूँ, स्वीप करके इसका पीछे का ये ले लेता हूँ। और मैं फिर सही कंडीशन दे देता हूँ, टिक कर देता हूँ। तो सही कंडीशन पर टिक मैंने टैप कर दिया। उसके बाद देखिए हमारा फोटो ऐसे आ गया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अगर आपको इसमें टेक्स्ट लिखना है तो कैसे टेक्स्ट लिखे, तो टेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जाना है टूल पे जाके देखना है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको लिखना ही पड़ेगा थंबनेल में। तो टेक्स्ट के लिए अगर आप नॉन यूट्यूबर, अगर यूट्यूब ना हो तब भी आप टेक्स्ट ना लिखे ये छोड़ दे, अगर लिख भी सकते हो। तो मैं टेक्स्ट के लिए अप्लाई कर देता हूँ। और डबल टैप करना पड़ेगा हमें। डबल टैप करने के बाद अब इसको मिटा सकते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, हाउ टू मेक लिखे मैं क्रिएट कर देता हूँ। हाउ टू मेक ये थंबनेल। तो हाउ टू मेक थंबनेल, तो मैं ऐसे ओके करता हूँ। तो देखिए दोस्तों हाउ टू मेक थंबनेल आ गए। और ये जो पैरा मशीन में जैसे चिन्ह आ रहा है इसको करेंगे तो इससे कलर चेंज होता है। तो आप कोई से भी कलर चूज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ये ब्लू कर सकते हैं आप। तो मुझे तो ज़्यादा रेड ही अच्छा लगता है, तो मैं रेड अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद सही निशान कर देना है। और तो अगर आपको इसको इसको थोड़ा हटाना चाहिए था हमें, तो अब क्या करें, हम पीछे कोई बैक करते, ऊपर से बैक हो जाता है, अडो कर सकते हैं ऊपर से। ये अडो का निशान देखा रखा, ये रखा हुआ ऊपर 3 डॉट के पास डिटेल के पास आगे। और ये बढ़िया ऑप्शन दे रखा है अंडो करने के लिए। तो हमें टूल पे जाके फिर क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं इसको पहले लाइन पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे, देखिए यहाँ पे लाइन के लिए बहुत सारा इसका टेक्स्ट फॉर्मेट दे रखा है लिखने के लिए। तो मैं लाइन L1 कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, डबल टेप करने के बाद जैसे कि मैं लिख देता हूँ, जैसे हमें थंबनेल बनाना है, जैसे तो मैं लिख देता हूँ फिर हाउ टू मेक ये थंबनेल, फिर मैं कर देता हूँ ओके। और हमें क्या करना है, फिर ये इधर साइड वाला, इधर वाला इसको हमें ओपन कर देना। और फिर मुझे हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं सबसे ज़्यादा सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो होता है मैं करता हूँ
ये V1, तो V1 अच्छा लगता है मुझे, तो V1 को इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अगर आपको फिर सही कलर का निशान देना है तो ठीक है, सही का निशान कर दिया। अगर आपको अभी वो करना है, जैसे आपको ब्लर करना है पीछे का बैकग्राउंड, तो आप कैसे कर सकते हो, तो ब्लर करने के लिए आपको टूल पे जाना पड़ेगा, और बहुत सारे फीचर हैं आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारा फीचर है, ये रोटेट है, ये डिटेल्स है, ये और तो एक फीचर रहेगा ये कर्व, ये कर्व से बहुत अच्छा है कंप्यूटर की वजह से। जैसे आपको थोड़ा सा इसका कलर में डिफेक्ट लाना है, सॉरी इफेक्ट लाना है, तो ये थोड़ा सा करके आप इसको घटा बढ़ा के कर सकते हैं एडजस्ट, तो फिर सही कंडीशन कर देना। ये देखिए हमारा जो थंबनेल बहुत और एक्टिव हो गया। अगर आप पीछे का बैकग्राउंड ब्लर लाना चाहते हैं, जैसे कि आपको DSLR कैमरे की जरूरत पड़ती है, तो आपको DSLR कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगा इस ऐप से, तो ये लेंस ब्लर लिखा होगा, तो लेंस ब्लर पर जाके आपको क्या करना है, ये देखिए ये लेंस ब्लर पर जाके आपको यहाँ से ओके कर देना है, ये कर देना है और सही कंडीशन कर देना है। देखिए दोस्तों अब देखना इसका, ये आपका सिर्फ मुँह ऐसे ही मुँह दिखेगा आपका, और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऐप से ये एक यूट्यूबर के लिए, और अगर आप यूट्यूबर ना हो तब भी ये ऐप्स बहुत ही अच्छा है, तो इससे आप अच्छा DSLR फोटो बना सकते हैं बहुत ही अच्छा। तो अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पे जाना है, और आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ये फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों जितने में हमने जितना इसमें इस फोटो को जितने अप्लाई किया था, पोर्ट्रेट मोड जो भी मतलब अप्लाई किया था वो सब हो रहा है, इसका प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं YouTube के वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं आज थंबनेल बनाने लेकर आया, तो मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी वो भी कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। तो दोस्तों ये लेंस ब्लर हो रहा है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं जब भी अब अगला वीडियो बनाऊँगा कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, दोस्तों मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी करना भी सिखाऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।